नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार का नंबर वन यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। भारत बंद का बड़ा असर, तगड़ा असर बिहार में देखने को मिल रहा है। हम आपको आपके स्क्रीन पर मधुबनी जिले की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मधुबनी जिले में भीम आर्मी के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। 13 पॉइंट रोस्टर हटाने की मांग और 200 पॉइंट रोस्टर के अध्यादेश लागू करने की मांग को लेकर के भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आप देखिए किस तरह से सड़कों पर कार्यकर्ता बैठे हुए भीम आर्मी के और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इस दौरान लाइव सिटीज के खास बातचीत में क्या कुछ कहा भीम आर्मी के नेता ने, आप उनकी बात को पहले सुनिए। आज जो संविधान बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा जो आहूत भारत बंद का कार्यक्रम है, जिसमें मधुबनी जिला के एससी एसटी ओबीसी ईबीसी माइनॉरिटी के लोग भारत बंद में शामिल है, हम लोगों का मांग है जो 13 पॉइंट रोस्टर जो लागू किया गया है वह कैंसर से ज़्यादा खतरनाक है। कैंसर से एक आदमी मरता है लेकिन 13 पॉइंट रोस्टर से बहुजन देश के बहुजन समाज पीढ़ी दर पीढ़ी मरती रहेगी। और यह मनोवादी सरकार 90% बहुजन के खिलाफ काम करने का काम कर रही है, इसी के खिलाफ हम लोगों का आज का भारत बंद है। 10% जो सवर्ण आरक्षण दिया गया है उसका तरीका गलत है। हम लोग सवर्ण का विरोधी नहीं है लेकिन जो तरीका है, जो 8 लाख सालाना आय वाले को गरीब माना गया है, मतलब 68,500 मासिक आमदनी वाले को गरीब माना गया है, तो सभी अमीर सवर्ण जो है इससे इसका लाभ ले लेंगे। और ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर लाओ, ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर लाओ, और सबसे अहम मुद्दा 13 पॉइंट रोस्टर को वापस लो, नहीं तो देश का 90% बहुजन ईट से ईट बजाने का काम करेगी नरेंद्र मोदी की सरकार को। और 2019 में आरक्षण को जो नरेंद्र मोदी की सरकार 13वीं करने का काम किया है, आने वाले चुनाव में देश का बहुजन नरेंद्र मोदी सरकार को 13वीं कर देगी, यह देश के बहुजन का वादा है। अभी भी समय है, 13 पॉइंट रोस्टर वापस लो और देश के 90% के आबादी के हक में फैसला लो, नहीं तो 90% आबादी तुम्हारे खिलाफ सड़क पर उतर चुकी है। और तो आपने सुन लिया पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ आक्रोश और 13 पॉइंट रोस्टर हटाने की मांग को लेकर के ये कार्यकर्ता और नेता जो भीम आर्मी के हैं वो सड़क पर बैठे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि जल्द से जल्द 13 पॉइंट रोस्टर रिजर्वेशन सिस्टम को जो लागू किया गया है उसे हटाया जाए, नहीं तो यह आंदोलन और भी उग्र होगा। भारत बंद किया गया है, अब इसके आगे और क्या आंदोलन उग्र हो सकता है ये तो भीम आर्मी ही जाने। लेकिन इस बीच बहुत ही जबरदस्त विरोध प्रदर्शन बिहार में देखने को मिल रहा है। आप लाइव सिटी के साथ बने रहिए, हम आपको भारत बंद पर सबसे बड़ी कवरेज दे रहे हैं। बिहार के तमाम जिलों से ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। आप लाइव सिटीज के यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।